नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, नौटंकिता का नाटक दिन ब दिन बिग बॉस में बढ़ता ही जा रहा है। लगातार वो सुशांत सिंह राजपूत को गलत साबित करने पर तुली रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है नौटंकिता लोखंडे ने। क्या कुछ कहा है नौटंकिता ने, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक तो देखिएगा ही और साथ ही इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज सबसे पहले मैं आपको यह नहीं दिखाऊंगा कि अंकिता ने क्या कहा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं नौटंकिता के इस नाटक पर। यह सुनना, यह देखना बहुत जरूरी है। फिर आखिर में बताऊंगा कि नौटंकिता ने कैसे एक बार फिर से सुशांत को गलत साबित करने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले कुछ ट्वीट्स देख लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं लोग। एक यूजर लिखते हैं, अंकिता बी लाइक, सारी सिंपथी मनवर को मिल जाएगी, जल्दी से सुशांत का नाम ले लेती हूं, मुझे भी मिलनी चाहिए थोड़ी सिंपथी। एक यूजर कहते हैं कि ये बार बार लगातार सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेती रहती है, ये बहुत ही वाहियात है, सुशांत का परिवार भी है, कम से कम उनकी इज्जत रख लो। एक बड़ी बात कही एक यूजर ने। बड़ा तंज कसते हुए कहा कि आज 10,000वीं बार अंकिता ने सुशांत का नाम लिया, ये बहुत वाहियात है। आखिर सुशांत मुनव्वर और आयशा के टॉपिक में बीच में कैसे आ गए, क्या हुआ, मैं आगे आपको बताऊंगा। इन्होंने कई सारे ट्वीट लिखे हैं, इनके एक के बाद एक ट्वीट पढ़ते जाइए और समझते जाइए कि क्या कुछ हो रहा है। कहते हैं कि जिस तरह से मुनव्वर अपने एक्स रिलेशनशिप की बात कर रहा है, उन्हें टॉक्सिक बता रहा है, अंकिता भी वही कर रही है जो कि बहुत गलत है। बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अपने एक्स के बारे में बार बार लगातार बात कर रहा है, और वो भी उस रिलेशनशिप के बारे में जो 7-8 साल पहले खत्म हो गया है। कितनी टॉक्सिक है ये अंकिता। अंकिता एक्सपेक्ट्स कि ऑल शुड डू हर पूजा बिकॉज सुशांत हैड लेफ्ट हर आफ्टर 7 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप। किसी और को कोई काम नहीं है या फिर दुनिया का फर्स्ट ब्रेकअप हुआ है। अब महसूस हो रहा है सुशांत की कोई ज्यादा गलती नहीं थी, बस कंटिन्यूस विक्टिम प्ले से पक गया होगा। ही वॉज स्ट्रॉन्ग मैन एंड वॉज गेटिंग ब्लेम फॉर अंकिता नॉट मूविंग ऑन इन हर करियर। मनीष लिखते हैं, अंकिता बी लाइक, जितनी बार ये मुनव्वर नाजिला का नाम लेके रोएगा उतनी बार मैं सुशांत का नाम लेके रोंगी। रिचा लिखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की वजह से आप पॉपुलर हुई थी और आप में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं, और ना ही आपके जो पवित्र रिश्ता का नई सीरीज आई है उसमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये लड़की सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल कर रही है अपने इंटरेस्ट के लिए, ऐसी औरत पर शर्म आती है। साल 2017 के आसपास सुशांत से इनका ब्रेकअप हो गया था, फिर 2.5 साल तक इन्होंने इंतजार किया, फिर उसके बाद विकी ने इनसे करीब 1 साल तक बात नहीं करी और साल 2021 में इनकी शादी भी हो गई। और कहते हैं कि ये सारा कैलकुलेशन देखो, अंकिता कितनी झूठी औरत है, आपको पता लग जाएगा कितनी बड़ी कहानीबाज है अंकिता। रिचा कहती हैं, जब इनका सुशांत से रिश्ता खत्म हुआ तो अंकिता को लगा कि अब चलो दूसरा बकरा पकड़ते हैं। विकी भाई फंस गया, उसे भी थोड़ा ग्लैमर दिख रहा था, और अब जरा इनकी कंपेटेबिलिटी देखो, शो में बिल्कुल जीरो है, इरिटेटिंग है, ये कहना है रिचा का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अंकिता ने आखिर कहा क्या है। अंकिता ने कहा, बात दरअसल हो रही थी शो में, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि मुनव्वर फारूकी अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर रो रहा था, उसको कोई समझा रहा था, वहीं अंकिता किसी और के साथ बैठ के जबरदस्ती अपनी बात डाल रही थी, जबरदस्ती सुशांत का नाम ले रही थी। कहती है, मेरा और सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हुआ तो मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे लग रहा था कि एक उम्मीद है उसे एक बार फिर मिलने की, लेकिन एक बार जब चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं तो फिर कुछ जोड़ नहीं पाता, एक बार न्यूज़पेपर में आ गया तो उसी वक्त सब खत्म हो गया हमारे बीच, और मैं मीडिया वालों से बात कर रही थी, 2 साल हो गए थे, मुझे शर्म आती थी कि मेरा रिश्ता टूट गया है, ये कैसे हो सकता है, ये आसान नहीं होता, मेरा 7 साल का रिश्ता था, मेरे को चाहिए था कि वो घर आए, वो वापस मेरे घर आए, मेरे पास आए, मैं लोगों से छिपाती थी, मैं उस घर में अपनी और सुशांत की फोटोज के साथ रहती थी, सुशांत जब गया मैंने 2.5 साल का
वेट किया, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ी। ये अंकिता लोकंडे कहती है कि मैं सोचती हूँ कि भाई इसमें मेरी गलती क्या है, मैंने क्या ऐसा गलत किया, मैं ऐसा सोचती हूँ। ये बातों बातों में फिर कहती है किसी दूसरी कंटेस्टेंट को, और यही है अंकिता की, मैं तो कहूँगा नौटंकिता की एक और नई नौटंकी। और जो बातें लोगों ने कही ना, मैंने जानबूझकर आपको वो बातें जो लोगों का रिएक्शन है पहले वो दिखाया, फिर मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली नौटंकिता ने क्या नाटक किया, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि कहानी असली क्या है। और लोगों को सब दिखता है, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, और दुनिया इन्हें इनकी ही ज़ुबानी इन्हें समझा रही है कि ऐसी नौटंकी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आपकी राय जानना चाहूँगा इस वीडियो को लेकर, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।